अच्छा बच्चों, हमने सबक हमारे हमसाए ममालिक के अल्फाज मानी और अल्फाज जुमले लिख लिए हैं। अब हम लिखते हैं सवालात जवाब, ठीक है? तो अपनी कॉपी निकालें और न्यू पेज पर आप लोग लिखे सबक हमारे हमसाए ममालिक, ठीक है? उसके बाद लाइन छोड़कर लिखे सवालात जवाब, सवालात जवाब, ठीक है? लाइन छोड़कर सवाल स्टार्ट करें। सवाल है, हमारे हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं? मुख्तसर है ये, ठीक है? हमारे हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं? मुख्तसर हैं। जवाब स्टार्ट करें लाइन छोड़कर। अच्छा, जवाब है, हमसाया ममालिक का मतलब है पड़ोसी ममालिक, ठीक है? हमसाया ममालिक का मतलब है पड़ोसी ममालिक, ठीक है? अच्छा, नंबर दो है, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं? चीन, भारत, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान के हमसाया ममालिक चीन, भारत, ईरान और अफगानिस्तान हैं। अच्छा, अब सवाल नंबर दो लिखिए, अफगानिस्तान की खास खास चीज़ें क्या हैं? अफगानिस्तान की खास खास चीज़ें क्या हैं? मुख्तसर है ये सवाल भी। अच्छा, अब इसके जवाब स्टार्ट करें, लाइन छोड़कर इसका जवाब लिखें। अच्छा, जवाब है, अफगानिस्तान की खास खास चीज़ें ये हैं। अफगानिस्तान की खास खास चीज़ें ये हैं, ताज़ा पल, खुश्क मेवजात, ठीक है? ताज़ा पल, खुश्क मेवजात, उम्दा कालीन, नंबर दो है उम्दा कालीन, नंबर तीन है नमदे, ठीक है? इसके बाद लगाए हाफ फिनिशिंग लाइन और सवाल नंबर तीन के लिए लाइन को डबल अंडरलाइन करें। सवाल नंबर तीन है, चीन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये मुफस्सिल है। चीन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मुफस्सिल सवाल है, ठीक है? जवाब लिखना स्टार्ट करें। अच्छा, जवाब स्टार्ट करें, पॉइंट्स में लिखते हैं। जवाब है, नंबर एक लिखिए, अवामी जम्हूरिया चीन हमारा हमसाया मुल्क है। अवामी जम्हूरिया चीन हमारा हमसाया मुल्क है, लिखिए नंबर दो, चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अब लिखिए नंबर तीन, चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग और करेंसी यान है, ठीक है? चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग और करेंसी यान है। नंबर चार लिखिए, कौमी दिन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौमी दिन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नंबर पाँच, दीवारी चीन दुनिया में बहुत मशहूर है, ठीक है? इसके बाद लगाए हाफ फिनिशिंग लाइन और सवाल नंबर चार के लिए लाइन को डबल अंडरलाइन करें। अच्छा, सवाल नंबर चार है, भारत की खास खास बातें बताएं, ठीक है? भारत की खास खास बातें बताएं। जवाब लिखना स्टार्ट करें। अच्छा, जवाब स्टार्ट करें, भारत की खास खास बातें, ठीक है? फिर नंबर एक लिखे, भारत आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। भारत आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। नंबर दो लिखें,
भारत में कई अजायब घर हैं। भारत में कई अजायब घर हैं। मस्जिद, मंदिर और पुरानी इमारतें भी हैं। मस्जिद, मंदिर और पुरानी इमारतें भी हैं। दुनिया का अजीम और मशहूर ताजमहल भारत में है। दुनिया का अजीम और मशहूर ताजमहल भारत में है। सवाल नंबर 5 लिखिए। ईरान की मशहूर चीज़ें क्या क्या हैं? जवाब लिखना स्टार्ट करें। ईरान की मशहूर चीज़ें, ठीक है, नंबर 1 है कालीन और फर्नीचर,